हेलो स्टूडेंट्स। तो यार फाइनली रीप का ऑलमोस्ट सारा का सारा सीन खत्म हो गया है। अब बच्चे वेट कर रहे हैं स्पोर्ट राउंड का। स्पोर्ट राउंड का कुछ किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ पे कैसे नोटिफिकेशन आता है, कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, कैसे सीट मिलेगी, कैसे फीस पे करनी है, कहाँ पे उसका किसी न्यूज पेपर में आएगा, किस में नहीं आएगा। वेबसाइट वगैरह पे कुछ दिखने को मिल नहीं रहा है। कहा गया था कि 4 तारीख को जितने भी कॉलेजेस हैं वो अपनी जो भी लिस्ट है वैकेंट सीट जारी करेंगे 4, और बच्चे वेट कर रहे थे 30 31, 1 2 3 4, आज 7 तारीख हो चुके हैं ऑलरेडी। बच्चे सारे के सारे RTU कोटा की वेबसाइट, MBM जोधपुर की वेबसाइट को पूरी को छान मारा सर हमने, पूरी वेबसाइट छान मारी, क्या ही पे कुछ नहीं मिल रहा। कहाँ पे आएगा ये नोटिफिकेशन, न्यूज पेपर या फिर आसमान में इलोन मस्क जारी करने वाला है, पता नहीं कहाँ पे आ रहा है। GNU यार BTU की वेबसाइट का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतना भर रखा वेबसाइट को कि पता कि चलेगा तो चलेगा कैसे बच्चों को कि क्या नोटिफिकेशन कहाँ पे आ रहा है। देखो पूरा का पूरा भर के रखा है एकदम नोटिस 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 नोटिस। ऐसे ऐसे कॉलेजेस है क्योंकि यार राजस्थान है, यहाँ पे ऐसा होता है। ओके तो जस्ट अगर अपन बात करते हैं GNU की वेबसाइट पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं नोटिस 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 से भर रखा है। ओके और जस्ट ये प्राइवेट कॉलेजेस के, इनके पास तो एटलीस्ट हेल्पलाइन नंबर तो होता है। ओके और ये गवर्नमेंट वाले तो कॉल भी नहीं उठाते। जैसे ही मैंने गूगल पे क्लिक किया, मैंने सर्च किया यहाँ पे MBM जोधपुर, MBM जोधपुर की वेबसाइट पे मैं गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही मैं MBM की वेबसाइट मेरी खुलती है धीरे धीरे, खुलने के बाद सिर्फ ये एक नोटिस शो हो रहा है कि ये आपको जो भी आपको रीप के अंदर मिला था उसके अंदर कैसे पार्टिसिपेट करना है। ओके इसको जैसे ही अपन खोलते हैं तो इसके अंदर एक वेबसाइट दिया जाता है JNVU.edu.in, ये भी कभी कभी खुलता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ये किसका वेबसाइट है, तो इससे जो है ये कॉलेज MBM एफिलेटेड है। तो अपन अब इस जय नारायण व्यास वाली वेबसाइट पे चलते हैं, तो ये भी महीने में 1 2 बार ही खुलती है मेरे पोर्टल पे। ठीक है, दिस साइट कैन बी रीच ऐसा भी आ जाता है कभी कभी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से पेज को रिफ्रेश करे, फिर से क्लिक करे इंटर पे, इंटर प्रेस करे। ओके तो जरूर खुलेगा। ओके तो अपन आज खोल के ही रखेंगे इसको, क्योंकि फिर देखते हैं क्या सीन है, कैसे तुमको एडमिशन मिलेगा रीप स्पोर्ट राउंड के अंदर, कैसे तुम कंप्यूटर साइंस की सीट ले पाओगे। देखा यही हुआ ना, फिर से खोलता हूँ मैं, रुको 1 सेकंड जरा। तो गूगल पे भी 2 वेबसाइट ओपन होती है, जैसे मैं GNVU सर्च करता हूँ, एक GNVU ये आप देख सकते हैं। ओके GNVU IUMS.in, ओके एक है JNVU.co.in। ओके तो इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये तो ओपन होता नहीं है। ओके तो अपना ऊपर वाला होता है .in वाला जो भी है JNVU IUMS.in। ओके तो इसको जैसे ही अपन ओपन करते हैं तो ये देखो ये पोर्टल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अगर आंखें फाड़ फाड़ के अगर थोड़ा थोड़ा देखते हैं तो एक ऑप्शन दिख रहा है MBM अप्लीकेशन फॉर्म फॉर BE स्पेशल राउंड। जैसे इस पे क्लिक करते हैं फिर से एक नया पेज खुलता है, कंटिन्यू टू इंटर वेबसाइट। ओके तो फिर से नया फॉर्म खुला, तो जैसे ही रेगुलर कंटिन्यूटी यहाँ पे कुछ ऑप्शन हो रहा है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन, MPT रिजल्ट, व्यू मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इधर कुछ नोटिस शो हो रहे हैं, स्पोर्ट राउंड का कुछ भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओके तो जैसे अपन चलते हैं कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन का जो भी दिख रहा हो उस पर अपन चल जाते हैं। किस पे करें, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे कर दें, एडमिशन रजिस्ट्रेशन इस पे चलते हैं। ओके जैसे ही अपन इस पे आते हैं, कंप्यूटर महोदय बताइए ये कुछ शो कर रहा है यहाँ पे, तो मैंने ये ऑलरेडी फिल कर रखा है। ओके तो मैं जस्ट यहाँ पे जो है अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये मान सकते हो कि ये तुम्हारा जो भी है स्पोर्ट राउंड रजिस्ट्रेशन भी है, जैसे स्टार्ट होता है तुम यहाँ पे अपना जो भी है कर सकते हो प्रोसेस। तो मेरा ये भी लॉगिन आईडी पासवर्ड आ गया, न्यू रजिस्ट्रेशन करके तुम भी जनरेट करते हो, कर सकते हो ये सारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये तीनों सारे के सारे पढ़ने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट कॉलेज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे मैंने जैसे ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ ये है कि अभी कोई भी प्रोग्राम वगैरह इसमें डाला नहीं गया है, अभी कुछ मतलब कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है। सेम इंफॉर्मेशन है जो CTE उदयपुर की। ओके CTE उदयपुर की अगर अपन बात करें तो एटलीस्ट पिछले साल के नोटिफिकेशन तक PG कोर्सेज के कुछ चल रहे हैं, स्पोर्ट राउंड का कुछ भी जो शो नहीं हो रहा।
ओके, यहाँ पे देख सकते हो न्यूज एंड इवेंट्स के अंदर जस्ट पीडी पीजी कोर्स का सेकंड राउंड का कुछ आर का अभी। ओके, जस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो, एडमिशन पे क्लिक करो। जैसे एडमिशन पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे रीप 2020 इंटरनल स्लाइडिंग चल रही है अभी। अभी 2021 का तो कुछ अपडेट हुआ ही नहीं है, पता नहीं है, दीपावली की छुट्टियां मना रहे हैं अभी। ओके, 8 तारीख तक छुट्टी है, यानी कि कल तक छुट्टी है। अब देखते हैं परसों, जैसे ही मंडे के बाद ये लोग क्या करते हैं, वेबसाइट वगैरह जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। और जिन बच्चों को इंटरनल स्लाइडिंग वगैरह में अपडेट करना है वो विजिट करते रहे वेबसाइटों को। आरटीयू कोटा की भी सेम सिचुएशन है। एक कॉलेज है जो अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसने नोटिफिकेशन डाल दिया था, एटलीस्ट 30-31 तारीख को डाल दिया था। ओके, तो जस्ट आप जैसे उसकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उसके अंदर शो हो रहा है। इसका तो ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुके हैं, वो जैसे ही डायरेक्टली सबसे ऊपर ही आ जाता है कि स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर सीटें खाली पड़ी है, सीएस वगैरह में, बीटीयू में सीटें खाली पड़ी है, ले सकते हो। ओके, और किसी को एरोस्पेस लेना हो तो हमारे कॉलेज में ले सकते हो, पीएसएसी पटियाला में। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोवाइडिंग एरोस्पेस, राजस्थान में नहीं है, पंजाब के अंदर ही है सिर्फ। ओके, और आरटीयू कोटा में एरोनोटिकल है, के बीटीयू में भी एरोनॉटिकल है। ओके, बीटीयू में सारी सीटें खाली पड़ी है, सीएस में भी खाली पड़ी है, आरटीयू कोटा में भी मैकेनिकल वगैरह खाली पड़ी है, तो ले सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सीट्स वैकेंट है। थैंक यू, बाय, सब्सक्राइब नाउ।